हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फिफ्थ की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 स्टडी करेंगे। पार्ट 2 में मैंने पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे। मीनकर बैंक। द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक हैज़ जस्ट बिगन। जो मीनकर बैंक है उसकी जो मीटिंग है वो बस अभी शुरू हुई है। एंड फजीला इज़ अ प्रेसिडेंट, और जो फजीला है वो उसकी प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। जो 20 फिशर वुमेन हैं उनने मिलकर एक अपनी खुद की बैंक बनाई है। एंड ईच सेव्ड रुपी 25 एवरी मंथ एंड पुट इट इन द बैंक। और हर वुमेन जो उस ग्रुप में है वो 25 रुपी एवरी मंथ सेव करती है और उस बैंक में जमा करती है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ एंड हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मनी कलेक्टेड बाई ईच मेंबर इन इज रुपी 25 पर मंथ। जो मेंबर्स हैं वो हर महीने कितना रुपये जमा करते हैं? 25। और मनी कलेक्टेड बाई द ग्रुप ऑफ 20 मेंबर पर मंथ, 20 मल्टीपल बाई 25, तो आंसर कितना आया? 25 रुपीज़। ठीक है, 25 रुपीज़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। 10 ईयर में कितना मनी कलेक्ट हो जाएगा? तो अभी यहाँ पर मनी कलेक्टेड इन 1 मंथ इक्वल्स टू 500। मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मल्टीपल बाई 500 इक्वल्स टू 6000 रुपीज़। मतलब एक साल में वो कितना रुपये इकट्ठा कर लेंगे? 6000 रुपीज़। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। ठीक है, तो 12 को मल्टीपल कर देंगे 500 से, तो एक साल में वो कितना रुपए कलेक्ट कर लेंगे? 6000 रुपीज़। आगे वो कह रहे हैं मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन 10 ईयर 6000 मल्टीपल बाई 10 इक्वल्स टू 60000। तो वो 10 ईयर में कितना मनी कलेक्ट करेंगे? 60000 रुपी। आगे ग्रेसी नीड मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी को नेट खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत है। एंड झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट। और झांसी और उसकी सिस्टर है उसको मनी की ज़रूरत है लॉग बोट खरीदने के लिए। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। तो उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया। एंड दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। और वो उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपी 4000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने 4000 रुपए का लोन लिया नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक रुपी 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। वो एक साल तक हर महीने 345 रुपी पे करती है। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। तो उसने टोटल कितना मनी बैंक को पे किया? अब यहाँ पर क्वेश्चन है को ऐसे सॉल्व करेंगे, लोन टुक बाय ग्रेसी 4000 रुपीज, अमाउंट पेड बैक बाय हर एवरी मंथ 345 रुपीज़, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हम आगे क्या करेंगे, देन अमाउंट पेड बैक पर मंथ फॉर 1 ईयर। 345 को हम 12 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4140 रुपीज़। तो ग्रेसी ने टोटल 4140 रुपीज़ एक साल में पे किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ रुपी 21000 टू बाय अ लॉग बोट। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ रुपी 23520 इन 1 ईयर। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। मतलब वो कह रहे हैं कि झांसी और उसकी सिस्टर ने 21000 रुपये का लोन लिया था और उन्होंने उसको पूरे साल में 23520 रुपी पे किया। तो उन्होंने एवरी मंथ कितने रुपए दिए होंगे? तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, झांसी एंड हर सिस्टर टुक लोन 21000 रुपी एंड दे पेड बैक इन 1 ईयर। दे पेड बैक इन 1 ईयर 23520 रुपीज़। तो अमाउंट एवरी मंथ दे पेड
23,520 को अगर हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,960 रुपीज़। इसका मतलब उस झांसी और उसकी सिस्टर ने एवरी मंथ बैंक को 1,960 रुपीज़ पे किए थे। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी वो फिश पकड़ने के लिए बोट पर नहीं जाती थी, बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन द बोट ड्यूरिंग द डे। बट आजकल क्या है कि झांसी और अदर वुमेन्स जो हैं वो बोट पे जाती हैं, एंड थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प देम। जो थिंग्स है वो अब चेंज हो रही हैं और जो बैंक है वो उनको हेल्प कर रही है। दे हैव ऑल्सो गेट अ स्पेशल बस टू टेक द बकेट फुल ऑफ फिश। अब बस भी चल चुकी हैं जो उनकी जो फिशेस से भरी हुई बकेट होती हैं उसको लाने ले जाने में उनकी हेल्प करती हैं। आगे वो कह रहे हैं द वुमेन ऑफ द मिनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। जो मिनकर बैंक की वुमेन्स हैं वो अब क्या करना चाहती हैं, एक फैक्ट्री खोलना चाहती हैं ड्राई फिश की, एंड द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। जो पंचायत है उन्होंने भी इस काम के लिए उनको लैंड दिया हुआ है। अदर द ईयर ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड रुपीज़ 74,000 और कुछ सालों से उन्होंने 74,000 रुपीज़ सेव भी किए हैं। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर फैक्ट्री। अब वो ये पता लगा रहे हैं कि उनको कितने रुपए की ज़रूरत है फैक्ट्री खोलने के लिए। फजीला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम दे वॉन्ट्स टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब फजीला क्या कर रही है, वो उन चीज़ों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है फैक्ट्री खोलने के लिए उनकी लिस्ट बना कर के तैयार कर रही है, और ताकि फ़ाइनल कॉस्ट का पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई है जहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं, प्राइस ऑफ ईच लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आइटम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। ठीक है, तो उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, उन्हें बोरवेल की ज़रूरत है फ्रेश वाटर के लिए। ठीक है, तो एक जो बोरवेल है उसका प्राइस कितना है 3,000 और उनको टोटल कितना चाहिए 1। तो अगर हम 3,000 को मल्टीपल करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनको चाहिए बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, उनको बैम्बू रैक की ज़रूरत है फिश ड्राई करने के लिए। तो एक बैम्बू रैक की कॉस्ट क्या है 2,000 और उनको टोटल कितनी चाहिए 20। तो 2,000 को अगर हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज़। उसके बाद उनको आगे क्या चाहिए, सीमेंट टैंक, एक सीमेंट टैंक की रेट क्या है 1,000, उनको कितना चाहिए 4। तो अगर हम 1,000 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज़। और उनको आगे क्या चाहिए, ट्रे और नाइफ, एक ट्रे और नाइफ की रुपए में वैल्यू क्या है 300 और उनको टोटल कितनी चाहिए 20। तो 300 को जब हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। आगे उनको क्या चाहिए, बकेट, एक बकेट की प्राइस क्या है 75 और टोटल उनको कितनी चाहिए 20। तो 75 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500। अब टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, तो टोटल कॉस्ट कितनी चाहिए उनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 54,500। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं when fresh fish इज ड्राइड इट बिकेम 1/3 इट इज वेट। जब हम फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो वो अपने वेट की 1/3 ही रह जाती है। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश। अब उन्होंने क्या, एक महीने में लगभग 6,000 मछलियों को ड्राई करने का सोच रखा है, 6,000 किलोग्राम। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो अब आप बताओ कि उन एक महीने में वो लगभग कितनी ड्राई फिश गेट, मतलब उनको कितनी ड्राई फिश मिलेंगी। तो 6,000 टोटल वेट है और यहाँ पे दे रखा है 1/3 रह जाती हैं, तो मल्टीपल बाई 1/3 करेंगे हम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 किलोग्राम। मतलब अगर वो एक महीने में 1 month में 6,000 किलोग्राम फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो वो अपनी वेट की 2,000 kg रह जाएंगी। आगे वो बोल रहे हैं लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। यहाँ पर उन्होंने कुछ प्राइसेस दे रखे हैं, वी बाय फ्रेश फिश फॉर रुपीज़
15 पर केजी एंड वी सेल ड्राइड फिश फॉर 70 पर केजी। यहाँ पर अब क्वेश्चन दे रखा है, आप थोड़ा अच्छे से समझना। वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश टू गेट डैश केजी ड्राइड फिश, मतलब अगर हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हमें कितना मिलता है। अब ऊपर दे रखा था अगर हम फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो वो अपने वेट की 1/3 रह जाती है। अब हम यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 केजी, तो 6 केजी को अगर हमने ड्राई किया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6/3 इक्वल्स टू 2 केजी, मतलब 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो वो कितनी रह जाएगी, 2 केजी। आगे वो कह रहे हैं फॉर 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अब देखो 1 केजी के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 15 रुपये पर केजी, ठीक है। तो अब 6 केजी के लिए कितना देना पड़ेगा, 6/15 इक्वल्स टू 90 रुपये। आगे वो कह रहे हैं वी विल सेल 2 केजी ड्राई फिश एंड गेट, अब देखो 1 केजी ड्राई फिश के लिए उनको कितना देना पड़ रहा था, 70 रुपये पर केजी, तो 2 केजी के लिए कितना देना पड़ेगा, 2/70 इक्वल्स टू 140 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सो इफ वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश वी विल अर्न, देखो अब ये आगे पूछ रहा है अगर हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हम कितना अर्न करेंगे। अब 6 केजी फ्रेश फिश को जब हम यहाँ पर ड्राई कर रहे थे तो हमारे पास कितनी बच रही थी, 2 केजी बच रही थी वेट में, और 2 केजी फ्रेश फिश को ड्राई, मतलब 2 केजी जो ड्राई फिश थी उसका रेट हमने यहाँ पर कितना निकाला था, 140, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140। अब 140 में से हम माइनस कर देंगे 6 केजी फ्रेश फिश के रेट को, अब 6 केजी फ्रेश फिश का रेट कितना निकल कर के आया था, 90 रुपये, यहाँ पर 90 लिखा और इसको हमने माइनस कर दिया, तो अब हमारा टोटल कितना निकल के आया, 50 रुपये। इसका मतलब अगर हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो हम टोटल कितना कमा रहे हैं, 50 रुपये, 50 रुपीज़, ठीक है। आगे वो बोल रहा है वट इफ़ वी है, इफ़ वी ड्राई 6000 केजी वी कैन अर्न डैश मल्टीपल 1000 इन 1 मंथ। अभी ऊपर हमने निकाला था कि अगर हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हम 50 रुपीज़ कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे। तो अब हमें, हमसे इन्होंने पूछा है 6000 केजी का, तो इफ़ वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश वी अर्न इक्वल्स टू 50 रुपीज़, इफ़ वी ड्राई 1 केजी फ्रेश फिश वी कैन अर्न 50/6। If we dry 6000 kg, we can earn 6000/50/6। हम इसको सॉल्व करेंगे 6 से 6 को कितना आएगा, 1000, इसकी मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आया, 50000, 50000, ठीक है, ये आंसर आएगा 50000। तो इन्होंने पूछा था इफ़ वी ड्राई सिक्स थाउजेंड वी कैन अर्न 50000 रुपीज़, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, वो सारे के सारे इस प्लान से काफ़ी खुश हैं। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डिड, वो कह रहे हैं कि इससे क्या वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और हर एक वुमेन को सैलरी भी मिलेगी उसके काम के लिए। आगे वो कह रहे हैं झांसी आई फाउंड दैट फॉर 6000 केजी फिश वी वुड नीड 1500 केजी सॉल्ट, मतलब आई फाउंड दैट फॉर 6000 केजी फिश वी वुड नीड 1500 केजी सॉल्ट, मतलब उनको 1500 किलोग्राम सॉल्ट की ज़रूरत है एवरी मंथ, इट इस प्राइस इस ₹2 पर केजी, मतलब पर केजी में अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो कितना है, 2 रुपये। तो
तो अब हम सॉल्ट की वैल्यू निकालते हैं, फॉर मंथली कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो सॉल्ट की कितनी है 1500 एंड 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। आगे वो कह रहे हैं पैकिंग एंड बस चार्जेस, पैकिंग एंड बस चार्जेस फॉर मंथली कॉस्ट कितना है 3000, ये गिवन दे रखा है। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश कितनी आ जाएगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्ट का जो निकल कर के आई वैल्यू और ये अमाउंट जो पैकिंग और वर्स चार्जेस हैं वो उसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6000। आगे वजीला कह रही है दैट साउंड वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44000। तो फजीला कह रही है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम हर एवरी मंथ हमारी जो बैंक है 44000 अर्न करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। तो ऊपर आपने देखा था जब हम लोग ने कैलकुलेशन करी थी यहाँ पर, तो हमारा कितना अमाउंट निकल के आया था, टोटल 50000 निकल के आया था। अब यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग कितनी निकल के आई, जो खर्चा उनका था 6000। ये तो हम 50000 में से 6000 को लेस करेंगे तो कितना आया 44000। और फजीला ने जो कैलकुलेट किया था वो भी कितना निकल के आया था 44000। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यस वी ऑल्सो गेट द सेम आंसर, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।